नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर। हमारा क्वेश्चन है, फिगर 12.5 शोज द पीवी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस अंडर गोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम ए टू बी। स्टेट क्या होता है दोस्तों? जैसे इस वक्त जो टेम्परेचर प्रेशर है किसी भी चीज़ का, या उसका वॉल्यूम है या कुछ भी, तो पर्टिकुलर जो उसकी प्रॉपर्टी, उसका फिक्स्ड स्टेट बता दे। एटलीस्ट हमें दो प्रॉपर्टी चाहिए होती है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी फिक्स करने के लिए स्टेट, और फिर बाद में उसका कुछ और स्टेट हो जाती है, प्रेशर बदल जाता है, वॉल्यूम बदल जाता है, किसी प्रोसेस के थ्रू जाता है वो, तो दोस्तों वो एक स्टेट हो जाती है। तो एक स्टेट ए है और एक स्टेट बी है, दो स्टेट हैं ऑफ फोर डिफरेंट पार्ट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एज शोन इन फिगर में लीड टू द सेम चेंज ऑफ स्टेट। दोस्तों चार प्रोसेस होते हैं, एक दो तीन चार, ए से बी स्टेट तक जाने के लिए। फिर हमसे पूछ रहा है कि इन स्टेटों में क्या होता है इंटरनल एनर्जी के साथ और वर्क डन के साथ। वर्क डन कहाँ पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या इंटरनल एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी, या सेम रहेगी, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। ये है वो फिगर, ये फिगर है, पीवी डायग्राम बना हुआ है दोस्तों। ये स्टेट ए है और स्टेट बी है। स्टेट ए पे कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, फिक्स्ड प्रेशर वॉल्यूम। स्टेट बी पे कुछ प्रेशर है और कुछ वॉल्यूम है, और ए से बी जाने के लिए ये अलग अलग प्रोसेस दिखाए गए हैं। एक ये ऐसा वाला है फर्स्ट, ये सीधे सीधे स्टेट लाइन से ए बी को जोड़ दिया है, ये सेकेंड है। थर्ड है दोस्तों इस तरीके से गए हैं, ये थर्ड है, ऐसे ऐसे गए, ये फोर है। ये चार प्रोसेस दिए हुए हैं, तो हमसे कह रहा है इंटरनल एनर्जी पे क्या असर होगा और वर्क डन पे क्या असर होगा। दोस्तों तो आप जानते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, किसी भी प्रोसेस के लिए जो चेंज इन हीट है वो बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर। यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है दोस्तों वो क्या कहता है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको डेल से दिखा रहा हूँ, इसको डी से दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो ये डेल वाले हीट और वर्क होता है ये पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों अलग अलग पाथ से जा रहे हैं तो वर्क डन अलग अलग होगा। पीवी डायग्राम पे वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द ये डिफरेंट प्रोसेस। जैसे ये थर्ड वाले के थ्रू तो ये वाला एरिया, इसके नीचे जो एरिया बनेगा, सेकंड वाले के लिए ये वाला एरिया, फोर्थ वाले के लिए ये वाला, फर्स्ट वाले के लिए ये वाला एरिया। तो सबसे ज्यादा जो एरिया होगा एरिया अंडर पीवी डायग्राम वो फर्स्ट वाले प्रोसेस के लिए, बाकी उसके बाद फिर फोर्थ वाले के लिए, फिर सेकंड वाले के लिए, फिर थर्ड वाले के लिए, सबसे ज्यादा जो है वो फर्स्ट वाले के लिए वर्क डन होगा। तो ये पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ के थ्रू आप दो स्टेट के बीच में जाते हैं, ए से बी स्टेट में किस पाथ के थ्रू जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा हीट भी और हमारा वर्क। मगर वहीं इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या है। कैसे भी जाओ दोस्तों इंटरनल एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये ए और बी स्टेट फिक्स्ड है। इसको इधर उधर करेंगे तो ही हमारा इंटरनल एनर्जी बदलेगा। तो दोस्तों जो हीट है वो बराबर होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के। तो डेल डब्ल्यू तो पाथ पे डिपेंड करता है, मगर वहीं इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, वो पॉइंट फंक्शन है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे कई क्वेश्चन आपको हल करने को में मदद मिलेगी। जो डेल क्यू है दोस्तों वो पाथ फंक्शन है, डेल डब्ल्यू है वो भी पाथ फंक्शन है, वहीं जो डी यू है इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये पॉइंट फंक्शन है दोस्तों। ये सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करेगा, पॉइंट पर डिपेंड करेगा। ये जो मैंने लिखा है ये किसी प्रोसेस के लिए है। पाथ फंक्शन जो है दोस्तों डेल क्यू यानी हीट के केस में क्या होता है, एरिया अंडर टी एस डायग्राम। टी यानी टेम्परेचर, एस यानी एंट्रोपी। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के अंडर एरिया जो होता है वो हमें हीट की वैल्यू देता है। वहीं डेल डब्ल्यू जो है वर्क, वो एरिया अंडर पीवी डायग्राम वो हमें वर्क डन देता है दोस्तों। तो हमारे केस में क्या है, डी यू पॉइंट फंक्शन है, तो हमारे जो चारों ही है दोस्तों, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है
चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम इन ऑल फोर केसेस, क्योंकि इस पे पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा कैसे हम जा रहे हैं ए टू बी, ए टू बी फिक्स है तो हम कैसे भी जाएं इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी दोस्तों। तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। और वहीं दोस्तों जो एरिया अंडर पीवी डायग्राम है वो फर्स्ट प्रोसेस के लिए मैक्सिमम है, तो ये वाला आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एरिया इसके अंदर आएगा, बाकी सब इससे कम ही एरिया देंगे ए से बी प्रोसेस जाने के लिए। तो हमारा जो है ये मैक्सिमम एरिया है दोस्तों थ्रू प्रोसेस फर्स्ट, ये पहला प्रोसेस जो फर्स्ट है। तो हमारा वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस फर्स्ट, ये वाला हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये मैक्सिमम एरिया है तो मैक्सिमम वर्क डन देगा। तो ये वाले ये दो ऑप्शन हमारे सही है दोस्तों, बी और सी। इंटरनल एनर्जी जो पॉइंट फंक्शन है तो वो डिपेंड नहीं करेगा आप कैसे जा रहे हो, ए और बी फिक्स है तो हमारा इंटरनल एनर्जी फिक्स है, और वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस फर्स्ट क्योंकि एरिया अंडर ये पीवी डायग्राम हमें दे रखा है, इसमें फर्स्ट प्रोसेस के लिए जो है वो मैक्सिमम एरिया मिल रहा है तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। वर्क डन इज मिनिमम इन केस टू, केस टू में मिनिमम नहीं होगा केस थ्री में मिनिमम होगा दोस्तों, इसलिए ये वाला गलत है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द सेम इन फोर एंड थ्री केस बट नॉट इन, ये भी नहीं है दोस्तों सब में ही बराबर होगा क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है। एक बार मैं पुनः बताऊंगा दोस्तों जो चेंज इन हीट और चेंज इन वर्क है वो पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्क के केस में कि फर्स्ट प्रोसेस के लिए ज्यादा एरिया आ रहा है तो ज्यादा वर्क डन मिला है क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। और मैथमेटिक्स के टर्म में अगर हम कहें तो ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। वहीं जो इंटरनल एनर्जी है या कोई भी एनर्जी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो पॉइंट पर डिपेंड करती है, और जो वर्क डन और हीट है वो एनर्जी इन ट्रांजिशन ही है मगर वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए एनर्जी से थोड़ा अलग है हीट और वर्क। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।